हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये साइटोप्लाज्म एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे कि हमने सबसे शुरुआत में सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था कि जब सेल की डिस्कवरी हुई थी तो नॉट ओनली दी आउटर बाउंड्री वॉज ऑब्जर्व, लेकिन उसके अंदर क्या भी दिखाई दिया था, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भी ऑब्जर्व किया गया था। तो आज हम उसी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को किस नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म को हम क्या कह सकते हैं कि वो फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसको एनक्लोज करता है, वो उसकी बाउंड्री होता है। जब हम साइटोप्लाज्म के विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी कहने का मतलब है कि वो कितना थिक है या कितना थिन फ्लूइड है। जैसे अगर हम विस्कस लिक्विड की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आता वो है हनी। वो चिपचिपी तरह का फ्लूइड होता है जो कि इजीली फ्लो नहीं करता है ऑन सरफेस। तो जब हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा विस्कस होता है। ऑलमोस्ट इसमें ये ऑलमोस्ट 80% वॉटरी होता है, ये पूरी तरह से वॉटरी नहीं होता, ये हल्का विस्कस होता है। इसको दूसरे टर्म से भी हम लोग जानते हैं, इसको दूसरे टर्म में साइटोसॉल भी कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म में बेसिकली हम क्या पाते हैं कि सारे सेल ऑर्गेनल्स उसमें एम्बेडेड होते हैं। सारे सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में ही एक तरह से बोला जाए तो वो स्विम करते हैं। अब हम लोग साइटोप्लाज्म के कुछ सिग्निफिकेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये फ्लूइड इन नेचर होता है, हल्का विस्कस होता है, तो इस विस्कस लिटिल विस्कस फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। इस साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस इसमें हम क्या भी पाते हैं कि इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल ने जनरेट किए हैं वो भी इसमें डिजॉल्व होते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंट्रोल करता है शेप ऑफ द सेल को। वो जितना ज्यादा या जिस मात्रा में वो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसका अमाउंट इनसाइड द सेल वो डिसाइड करेगा कि सेल की शेप कैसी होनी चाहिए या कैसी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म भी एक तरह से क्या करता है, कंट्रोल करता है सेल के शेप को मेंटेन करने में। ये हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर भी चुके हैं और इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सेलुलर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के मदद से ये साइटोप्लाज्म सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हमारे लिए जानने के लिए ये है कि जितने सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में तैरते हैं, वो एम्बेड होते हैं, हरेक का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हरेक का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा विच द सेल कैन नॉट, विदाउट विच द सेल कैन नॉट फंक्शन एज अ होल। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो हरेक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर, और सारे फंक्शंस ऐसे कोऑर्डिनेटेड है तब जाके लगता है कि वी आर सिंगल इंडिविजुअल्स, हम एज एन इंडिविजुअल एज अ होल हम परफॉर्म करते हैं कोई फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें जो विजुअली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे जब हम चल रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हमारे पैर इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स इन्वॉल्व होता है, स्केलेटन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो हरेक का अपना अपना फंक्शन है, लेकिन इन अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड मैनर जब सारे एक साथ काम करते हैं तब एक एक्टिविटी हम विजुअलाइज कर सकते हैं जो या तो रनिंग होगा या तो जंपिंग होगा या तो वॉकिंग होगा या तो जॉगिंग होगा। उसी तरह से सेल के अंदर जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सबके अपने अपने फंक्शंस डिसाइडेड है, वे अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, लेकिन जब सारे के सारे एक साथ अपना फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तब जाके सेल एज अ होल अपना जो मेन फंक्शन है वो उसको कर पाएगा। हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म के मूवमेंट की इनसाइड द सेल। जब हम साइटोप्लाज्म के मूवमेंट की बात करते हैं विद इन अ सेल, हम उस फेनोमेनन को कहेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो बेसिकली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि साइटोप्लाज्म के मूवमेंट
या साइटोप्लाज्म का मूवमेंट विद इन अ सेल, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की मूवमेंट, तो इसको हम क्या भी कहते हैं, इसको हम साइक्लोसिस भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे अमीबा का। जब हम लोग बात कर रहे थे एंडोसाइटोसिस की, तो अमीबा क्या फंक्शन एक परफॉर्म करता है, एंडोसाइटोसिस, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब उसको अपना फूड पार्टिकल एनगल्फ करना है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो अमीबा है उसका शेप क्या होता है, इररेगुलर होता है। तो इररेगुलर बॉडी मूवमेंट या इररेगुलर बॉडी शेप होने के वजह से उसको एक एडवांटेज ये मिलता है कि वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकता है। तो सपोज दिस इज अमीबा, यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, अब उसको क्या करना है, इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करना है। तो ये क्या करेगा, ये अपना सूडोपोडिया फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग फॉल्स फीट भी कहते हैं। अब ये क्या करेगा, फॉल्स फीट बनाएगा सूडोपोडिया की मदद से, और इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। तो यहाँ पर ये जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन फैसिलिटेट कर रहा है, यहाँ पे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन फैसिलिटेट हो रहा है बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के वजह से वो अपने बॉडी के शेप को चेंज कर रहा है और एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब साइटोप्लाज्म में होने वाली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किन किन चीजों में मदद करेगी सेल को, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स। अगर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइट्स के एक्सचेंज में हम पॉसिबिलिटी नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात कि सेल ऑर्गेनल्स के बीच में, क्योंकि सेल के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इनके बीच में भी इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के मदद से ही हो रहा है। अब क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में हम लोग को मिल चुका है, और हम लोग जान रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक एसेंशियल फेनोमेनन है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी अफेक्ट होता है कुछ कारण के वजह से, कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को बॉदर करते हैं या बार करते हैं या ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो उनमें क्या क्या फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे फैक्टर्स होंगे हमारा टेम्परेचर, पीएच, विस्कोसिटी, हॉर्मोन्स, लाइट। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी सेल की विस्कोसिटी को ऑल्टर करेगा, सेल के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को ऑल्टर करेगा। पीएच अगर कम ज़्यादा होगा, पीएच अगर फ्लक्चुएट करेगा, तो भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पर असर दिखेगा। फिर सेल की विस्कोसिटी, अगर सेल ज़्यादा विस्कस है या ज़रूरत से ज़्यादा कम विस्कस है, तो ये फिर से सेल की साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को इफेक्ट करेगा। हॉर्मोन्स, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रोल प्ले करता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को ऑल्टर करने में या अफेक्ट करने में। और प्लांट के केस में लाइट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को।